अरुण जेटली जी का भी पत्रक था और प्रधानमंत्री जी का भी था, माननीय मेनका गांधी जी का था, जिसमें कि चार पत्रक मैंने दिया जो है, दो में वार्ता हुई, दो में पत्रक देकर मतलब वहाँ पर जो भी फॉर्मेलिटी होती है वो मतलब आपकी आवाज़ वहाँ तक मैंने पहुँचाया जी। और मैंने प्रधानमंत्री के यहाँ भी दिया, जिसमें कि पहले मैं आपको ये पढ़ के बता दूं कि आपकी मांग क्या थी, ये बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि वो नहीं जानेंगे तो आप क्या समझ पाएंगे। आंगनबाड़ी कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों द्वारा नई दिल्ली के जंतर मंतर पर दो दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से निम्नांकित 13 सूत्री मांग पत्र आज दिनांक 5/10/2017 से 5/10/2017 को आपकी सेवा में प्रेषित कर रहा हूँ। कृपया सभी मांगों को पूरा करने का कष्ट करें। पहला मांग था आपका, देश भर में कार्यरत आंगनबाड़ी कर्मचारियों, मिनी आंगनबाड़ी कर्मचारियों, सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, या वर्तमान समय में भीषण महंगाई को देखते हुए न्यूनतम मानदेय 18,000 रुपया किया जाए। ये पहला आपका मांग रहा है। दूसरा, आंगनबाड़ी कर्मचारियों के मानदेय पूरे भारतवर्ष में केंद्र सरकार द्वारा मात्र 3,000 रुपये दिया जाता है, अन्य प्रदेशों की सरकारें अपने अपने फंड से अतिरिक्त मानदेय के रूप में दे रही है। इस विषय के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री जी गंभीरतापूर्वक विचारणीय योग्य बातें हैं कि उत्तर प्रदेश चुनावी वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में आपके अधीन बनाए गए माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी वर्तमान उप मुख्यमंत्री भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश विधानसभा 2017 के चुनावी घोषणा पत्र संकल्प पत्र में दिनांक 5/2/2017 को स्पष्ट रूप से लिखित रूप से कहा कि आप सभी आंगनबाड़ी कर्मचारियों एवं बीएलओ की ड्यूटी करते हुए आप लोग मेरे चुनाव में सहयोग प्रदान करें और उत्तर प्रदेश में भाजपा की पूर्ण बहुमत में आने पर मैं 120 दिन में नियोजित वृद्धि की जाएगी, परंतु 6 महीने बीत जाने पर केवल आश्वासन पर आश्वासन दिया जा रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश में लगातार प्रदेश सरकार के विपरीत धरना प्रदर्शन के माध्यम से वादा खिलाफी को अवगत कराया गया, परंतु आज तक आंगनबाड़ी कर्मचारियों का मानदेय बढ़ोतरी में कोई निर्णय नहीं हुआ हो सका, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी आगे आने वाले वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में आपके चुनाव पर असर पड़ सकता है। आपसे अनुरोध है कि आप अपने स्तर से उत्तर प्रदेश सरकार को निर्णय लेने के लिए आदेशित करने का कष्ट करें, जिससे भाजपा सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में किए गए वादे पूर्ण हो सके, जिससे सरकार की छवि बनी रहे, जिससे आप जिसकी छाया प्रति संलग्न है। मैंने छाया प्रति भी लगाया हूँ जो को 5 फरवरी का लेटर इसमें टैग करके मैं दिया हूँ। और तीसरा आपका है, बाल विकास परियोजना में कार्यरत आंगनबाड़ी कर्मचारियों, मिनी आंगनबाड़ी सहायिकाओं को सामाजिक सुरक्षा लागू करने हेतु सभी राज्यों को आदेशित किया गया था, परंतु उत्तराखंड को छोड़कर अन्य राज्यों में अभी तक लागू नहीं किया गया, लागू किए जाने का आदेश निर्देश निर्गत किया जाए। पहले मैं पत्रक पढ़ दे रहा हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा कि क्या है इसमें, ठीक है। चौथा आपका मांग है, माननीय प्रधानमंत्री जी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लगातार समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित किया जा रहा है कि सभी राज्यों के आंगनबाड़ी कर्मचारियों को प्री नर्सरी शिक्षा के तहत प्राथमिक विद्यालयों में जोड़ने का प्राविधान है एवं डिजिटल इंडिया के प्लान के तहत इन्हें ऑनलाइन जोड़ने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, परंतु यह आदेश अभी तक पारित नहीं हुआ। यह आदेश पारित कराने का कष्ट करें, जिससे 2022 में डिजिटल इंडिया का सपना पूरा हो सके, जिसमें आंगनबाड़ी कर्मचारियों की मुख्य भूमिका हो सके। पांचवा,
भारतवर्ष के 3 से 6 वर्ष के बच्चों को दिए जा रहे पुष्टाहार पंजीरी को तत्काल बंद करते हुए अन्य फूड एवं मौसमी फल इत्यादि दिए जाने की व्यवस्था की जाए, जिससे भारतवर्ष में बढ़ता हुआ कुपोषण पर रोकथाम किया जा सके। छठवां है आपका, भारतवर्ष के सभी प्रदेशों में आंगनबाड़ी कर्मचारियों को अभिलेखों के रूप में 1 से लेकर 11, 11 से लेकर 27 रजिस्टरों का अभिलेखन पूर्ण करना पड़ता है। यह प्रक्रिया बंद करते हुए लैपटॉप एवं टैबलेट प्रदान किया जाए, जिससे आंगनबाड़ी कर्मचारियों को भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार की सेवाओं से ऑनलाइन जोड़ा जा सके, जिससे डिजिटल इंडिया का भारत का सपना पूरा हो सके। सातवां है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 28/4/1995 में आंगनबाड़ी कर्मचारियों के प्रमोशन संबंधित नियमावली आदेश जारी किए गए थे, किंतु 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरांत मुख्य सेविकाओं के सभी पदों पर पदोन्नत किए जाएंगे, परंतु मुख्य सेविकाओं के पदों पर पदोन्नत प्रदेशों में इस आदेश को तोड़ मरोड़ कर नंबरिंग सिस्टम से लागू किया गया है, जबकि यह आदेश सीनियरिटी के आधार पर पदोन्नत के लिए सर्विस नियमावली बनाई गई है। कृपया दिनांक 28/4/1995 के सापेक्ष में सर्विस नियमावली का पालन कराया जाए। ये आपका सातवां रहा। आठवां, आंगनबाड़ी कर्मचारियों की ड्यूटी राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रदेश के कार्यक्रमों में लगा दिया जाता है, जैसे BLO, पल्स पोलियो जनगणना, आर्थिक जनगणना, आधार कार्ड सत्यापन, राशन कार्ड सत्यापन, फाइलेरिया, लोकसभा व विधानसभा के चुनाव में भी इनकी ड्यूटी लगा दी जाती है, जिससे बच्चों एवं पोषण पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण जैसा अति महत्वपूर्ण कार्य पहले से है। अन्य कार्य में ड्यूटी लगा देने से इनके विभाग के मुख्य कार्य प्रभावित होते हैं, जिससे इनको दोषी ठहराते हुए दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। इस प्रक्रिया को रोका जाए। नौवां है, प्राइमरी विद्यालय में मिल रहे मुफ्त कपड़ा, बैग, भोजन एवं स्कॉलरशिप आदि का लाभ पाकर अभिभावक अपने बच्चों को प्राइमरी विद्यालय में भेजना श्रेयस्कर समझते हैं, क्योंकि भारत सरकार के सर्वे के अनुसार प्रत्येक गांव में 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, इस अमृतमयी योजना का लाभ भी लेते हैं, इसलिए यह मुफ्त कपड़ा, भोजन, स्कॉलरशिप की व्यवस्था आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी किया जाए। दसवां, आंगनबाड़ी द्वारा गर्भवती धात्री महिलाओं का देखरेख किया जाता है, जन्म के उपरांत बच्चों का पंजीकरण भी किया जाता है, परंतु आंगनबाड़ी द्वारा जन्म प्रमाण पत्र प्रदत्त अधिकार नहीं मिला है। यह अधिकार सभी राज्यों के आंगनबाड़ी कर्मचारियों को दिया जाए। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को प्री स्कूल शिक्षा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा दिया जाता है, परंतु बगैर प्रमाण पत्र के एडमिशन प्राइमरी व नर्सरी में कर लिया जाता है। बगैर आंगनबाड़ी के प्रमाण पत्र के बिना एडमिशन न किया जाए, इस आशय का आदेश निर्गत किया जाए। 11वां, मिनी आंगनबाड़ी कर्मचारियों को भी सामान्य कर्मचारियों के बराबर मानदेय दिया जाए। 12वां, मुख्य सेविकाओं के सभी पदों पर वरिष्ठता के आधार पर कार्यकर्तियों का शीघ्र प्रमोशन किया जाए और बाहर से सीधी भर्ती बंद किया जाए। शासकीय कर्मचारियों की भांति आंगनबाड़ी कर्मचारियों को मुख्य सेविकाओं के पदों पर प्रमोशन में 50 वर्ष की आयु सीमा का प्रतिबंध समाप्त किया जाए। 13वां है लास्ट आपका, आंगनबाड़ी कर्मचारियों को गर्मी एवं जाड़े के मौसम में LKG से लेकर कक्षा 10 के समस्त श्रेणी के विद्यालयों में जब जब अवकाश होता है, आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी अवकाश। आंगनबाड़ी एकता जिंदाबाद, आंगनबाड़ी एकता जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो।
हमारे मंजा सिंह, हमारे भाई सुलेमान, हमारी बहन मैं इनका स्वागत बंधन अभिनंदन करती हूँ। और बहनों, सरकार बहुत कुछ कहती है, सबसे पहले तो सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ।